डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव गुरुवार को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों से कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने लॉकडाउन को लेकर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा से बातचीत की। डीजीपी यादव ने कहा उन्होंने राजस्थान के सभी संभागों का दौरा किया है ताकि कोई कमी हो तो उसे सुधारा जा सके। इससे पहले डीजीपी यादव ने गांधी डांडी यात्रा का भी अवलोकन किया। कोरोना संक्रमण से जो भी परिस्थितियाँ हैं आप सब उनसे वाकिफ हैं। पुलिस है, स्वास्थ्य विभाग है, फूड एंड सिविल सप्लाईज है, जनरल सामान्य प्रशासन है, सभी के समन्वित प्रयासों से ही काम संभव है। एक टीम के तौर पर पूरे राज्य में सभी बेहतर काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपका जो ज़िला है चित्तौड़ भाग्यशाली है, अभी संक्रमण से मुक्त है, इसलिए लॉकडाउन का जो प्रेशर है वो अलग किस्म का है यहाँ। लेकिन पूरे राजस्थान में सभी विभागों ने अपने तई बहुत बढ़िया काम किया है, बेहतर प्रयास किया है। मेरा आने का उद्देश्य ये है कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उन्हें दूर करें। कोई परेशानी हमारे साथियों को आ रही है ग्राउंड लेवल पर, कोई दिक्कतें हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं उनको दूर करें। सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने पिंडवाड़ा क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण आपदा की रोकथाम के लिए किए